गरीबन जिले के मेनपुर ब्लॉक अंतर्गत धान उपार्जन केंद्र शोभा खरीदी केंद्र में जगह की कमी होने के कारण किसान अपने धान बेचने के लिए होते हैं। आपको बता दें कि राजा पड़ाव इलाके में धान उपार्जन केंद्र शोभा में 8 पंचायत के अंतर्गत आने वाले 36 गांव के किसान धान बेचने आते हैं, जिसमें गाँव के कई किसान 40 किलोमीटर दूरी से धान लाते हैं, तो सही समय पर धान उपार्जन केंद्र नहीं पहुंच पाते हैं और जिस कारण से किसानों को धान बेचने में सुबह से शाम हो जाता है। किसानों का कहना है कि धान उपार्जन केंद्र का विभाजन किया जाए या जगह परिवर्तन से समस्या दूर हो सकती है, ताकि किसानों को धान बेचने में परेशानी ना हो, क्योंकि प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति शोभा से अलग करके नया धान उपार्जन केंद्र खोलने से नए उपार्जन केंद्र में पंजीकृत किसान समर्थन मूल्य में धान बेच सकेंगे। किसानों से मिली जानकारी के मुताबिक जहाँ शोभा समिति में 36 गांव के किसान धान बेचते हैं, अगर नए उपार्जन केंद्र की स्वीकृति प्रशासन द्वारा की जाती है तो किसानों को धान बेचने में सुगमता होगी। समस्या तो जगह के है जी, प्रॉब्लम मेन एक एकड़ जगह में अति 8-8 पंचायत के किसान मन के धान है, खरीदी नहीं हो पाए जगह के कारण। हमला 200 जगह चेंज करना है तब बनी चौथे, बहुत तकलीफ होते भाई। अब धान आते तो ट्रैक्टर घुसाए बनी हो, अब ट्रक बनाते तो जाम हो जाते रास्ता, तो हमला तकलीफ हो जाते नहीं, यहाँ 12-1-2 बज जाते, कभी शाम हो जाते, ये तकलीफ है। भूखे प्यासे में आए रहते जी, भात पे घर तो धर के नहीं आ। प्रशासन से ही मांग करना चाहते हैं भाई, हमार ये मंडी ला 2 जगह विभाजन कर दे, ताकि हमला कम जगह में हो, अच्छा सुविधा हो।